नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिहार उजाला में। और आप सभी को बता दें कि गाड़ियों का जो भी नीलामी हो रहा था उसका नियम थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले ऑफलाइन हो रहा था और पटना में ट्रायल किया गया, उसके बाद से अब पूरे बिहार में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। अभी आपको बता दें तो जून महीने में हर ज़िले में गाड़ियों का नीलामी चालू है। लमसम 5-6 जिलों में गाड़ियों का नीलामी है, जैसे मुजफ्फरपुर, छपरा और गोपालगंज, बाकी तमाम और भी ज़िले हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हर ज़िले का आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ज़िले में गाड़ियों का नीलामी होने जा रहा है और आप लोग भी कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से ज़िले में गाड़ियों का नीलामी हो रहा है। तो बेहद अच्छी जानकारी है, आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा। ऑनलाइन नीलामी में गाड़ी कैसे देखें, इसके बारे में आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि इस नीलामी में अब पहले से बहुत कम लोग भाग ले पाएंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाने से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसमें हम रजिस्ट्रेशन करें, कैसे गाड़ियों को देखें। पहले तो PDF हम लोग दे देते थे, लोग देख लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजिंग है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नीलामी से गाड़ी खरीदें तो फटाफट से आप अपना मोबाइल निकालिए और हम जैसे जैसे बताते हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे कीजिए। आप लोग अपने ही मोबाइल से घर बैठे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में कहाँ नीलामी हो रहा है, कौन कौन गाड़ियाँ शामिल हैं, कितना प्राइस है उसका, हर एक चीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। आप लोग भी गूगल ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र या गूगल, उसमें आपको MSTC लिखना है और MSTC करने के बाद सबसे ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ई ऑक्शन का एक ऑप्शन आएगा नीचे, आप देखेंगे यहाँ पे, उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा और पूरे भारत में जहाँ जहाँ जो भी हो रहा है नीलामी उन सबका डिटेल इसमें दिया गया है और आप लोग इसमें देख सकते हैं। लेकिन हमें बिहार में जो भी गाड़ियाँ नीलाम हो रहा है हमें उनको देखना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे गोपालगंज नीलामी का यहाँ पे डेट निकल के आया है, 1/6 को नीलामी है गोपालगंज में। जहाँ भी लिखा रहेगा एक्साइज सुपरिटेंडेंट वो समझ जाइएगा कि नीलामी है। यहाँ पे एक नंबर पे देखिए इसका प्राइस जो है 1000 रुपये मात्र दिया गया है। यहाँ पे एक नंबर पे स्प्लेंडर है और उस स्प्लेंडर की कीमत यहाँ पे मात्र 1000 रुपये दिया गया है। ऐसे ही स्क्रॉल करके आप बारी बारी से बाकी तमाम जितनी गाड़ियाँ हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। ऊपर में यहाँ पे आपको एक्साइज सुपरिटेंडेंट का नंबर भी दिया गया है, आप चाहें तो उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम गाड़ियों का लिस्ट है, रेट है, कौन सी गाड़ी है, सारा डिटेल्स इसमें दिया गया है और एक से बढ़कर एक गाड़ी यहाँ पे शामिल है गोपालगंज में और 700 से ऊपर गाड़ियाँ हैं आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये एक पेज बना हुआ है और एक पेज में इसमें 94 गाड़ियों का लिस्ट है। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे 1 से लेकर 94 तक और बाकी आप इसमें 8 आपको और पेज मिलने वाले हैं। ये फर्स्ट पेज हमने ओपन किया है और फिर अब हम सेकंड पेज ओपन करेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसे ही आपको स्क्रॉल करना है और जहाँ भी आपको दिखे एक्साइज सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे देखिए ये 1 तारीख का था और यहाँ पे देखिए सेकंड पेज में आपको 95 से 94 तक उसमें था, यहाँ आपको 95 से शुरू हो गया 95 से लेकर और ये बढ़ते जाएगा 96 97 98 धीरे धीरे करके। यहाँ गाड़ियों का टोटल लिस्ट आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी संख्या में गाड़ी यहाँ पे दिया गया है। इस पेज में भी 94 गाड़ियाँ हैं लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 188 गाड़ियों का लिस्ट आ गया है सेकंड जो पेज था उसमें। ऐसे अभी 6 पेज और हैं आपको हम दिखा देते हैं। ऐसे ही आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है नीचे और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा और आपको ढूंढना है इसमें एक, आपको दिखा देते हैं, इसमें बहुत से ज़िलों का ऑक्शन इसमें हो रहा है। आपको हम गोपालगंज के बाद दिखाने वाले हैं, ये गोपालगंज का है, देखिए यहाँ पे 8 है, 1 से लेके
5091 से लेके 5098 तक। 98 में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए, यहाँ पे कितना से चालू हो गया है और ये आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ पे 759। टोटल 759 गाड़ियाँ शामिल हैं इस नीलामी में। आप लोग एक एक गाड़ी को इसमें से देख सकते हैं, सबका रेट यहाँ पे लिखा गया है और 15,000 रुपये में यहाँ पे रेट है। गोपालपुर थाना में बहुत सी गाड़ियाँ हैं एकदम सस्ती दर में। पहले तो बाइक का कीमत स्टार्टिंग प्राइस जो रखा गया था वो 4,000 था, लेकिन ई नीलामी जब से ऑनलाइन नीलामी हो रहा है गाड़ियों का, इसमें रेट काफ़ी कम हो गया है और सस्ती दर में आप लोग यहाँ से गाड़ियों को ख़रीद पाएंगे। यहाँ पे बाइक का स्टार्टिंग प्राइस 1,000 रुपये से रखा गया है और इस पूरे नीलामी में अब बहुत कम लोग ही भाग ले पाएंगे। जो लोग लेंगे उनको बेहतर मौका मिलने वाला है इस नीलामी से गाड़ी ख़रीदने का। हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे कि आप लोग MSTC पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अभी हमने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा चंडीगढ़ का, हर जो स्टेट है स्टेट बाय स्टेट का इसमें दिया गया है। लेकिन हमें जो भी ईस्टर्न रीजनल ऑफिस का जो भी है ERO, इसी में हमको मिलने वाला है बिहार का। जो भी नीलामी हो रहा है इसमें आप देख पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा अगर डाउन करें स्क्रॉल तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे ज़िलों के नीलामी का डेट यहाँ पे निकल चुका है। 1 तारीख के बाद, 2 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को, अलग अलग डेटों में अलग अलग ज़िलों में नीलामी का डेट रखा गया है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आपको पेज ओपन हो जाएगा उस ज़िला का और उसमें कौन सी गाड़ियाँ हैं, कब तक लास्ट डेट है, सारा डिटेल्स उसमें जैसे दिया गया था गोपालगंज में तो वैसे ही डेट आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप लोग आसानी से जान सकेंगे कि कैसे और कौन से ज़िले में गाड़ियों का नीलामी हो रहा है और वहां से आप लोग बुकिंग कर पाएंगे। अभी ये बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए आप लोग गाड़ियों को देख पा रहे हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा हम आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। आप नीचे देखिएगा यहाँ पे जितना एक्साइज सुप्रिटेंडेंट लिखा गया है डेट और यहाँ पे वो ज़िला का नाम, वहाँ वहाँ गाड़ियों का मधुबनी में नीलामी हो रहा है, बाकी आपको आरा में हो रहा है, भोजपुर में हो रहा है, औरंगाबाद में हो रहा है, तमाम ज़िलों में गाड़ियों का बम्फर नीलामी चालू हो चुका है। आप लोग अगर फटाफट आवेदन नहीं किए तो ये समय आपको मिस कर देंगे, फिर आप लोग सस्ती और लग्जरी गाड़ियाँ आप लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बेहद सुनहरा अवसर है और इस ऑनलाइन नीलामी होने से एक और फ़ायदा है, जो बाहरी दलाल थे जो ज़्यादा पैसे यहाँ पे मैनेज करवा रहे थे वो अब इन सब चीज़ों में नहीं होने वाला है। बहुत से लोग जब फॉर्म जमा करने जा रहे थे तो उनसे 100-100 रुपया मांगा जाता था, वो भी अब नहीं होगा। आप सीधा ऑनलाइन के ज़रिए आप लोग अपना गाड़ी पे बोली लगाकर उन गाड़ियों को ख़रीद सकते हैं। तो बहुत अच्छी पहल की गई है, उम्मीद करते हैं कि यह ट्रायल अच्छा हो, यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।